Welcome to America. Cricket. Welcome to America. 2024 की गर्मियों में बढ़ने वाला है पारा। पूरी शान और शौकत के साथ अमेरिका पहुंच रहा है क्रिकेट हमारा। लार्जर देन लाइफ, सपनों का देश USA। वेस्ट इंडीज के साथ मिलकर बनाएगा 2024 के T20 वर्ल्ड कप को सबसे खास। लिखा जाएगा क्रिकेट का सबसे नया, सबसे शानदार, सबसे चमकदार इतिहास। भला अमेरिका के कौन से शहर करेंगे मेजबानी? कहां लिखी जाएगी ग्रेटेस्ट राइवलरी की अगली कहानी? T20 वर्ल्ड कप 2024 का पूरा शेड्यूल और सवाल का जवाब आपको इसी शो में मिलेगा जनाब। क्रिकेट का सबसे छोटा फॉर्मेट तैयार है अपनी सबसे बड़ी छलांग लगाने को, क्योंकि नॉर्थ अटलांटिक महासागर को टाप के T20 विश्व कप चला है अमेरिका। स्वागत है आप सभी का। सबको इंतजार था कि इस विश्व कप के शेड्यूल की घोषणा कब की जाएगी, अभी की जाएगी। सरीसर साथ में और 2007 पहले T20 विश्व कप के विश्व कप विजेता इरफान पठान भी बैठे हैं दक्षिण अफ्रीका से अमेरिका। पूरे क्रिकेटिंग जो जगत है उससे घूम के सर चला है। सर कितनी एक्साइटमेंट है, क्योंकि अमेरिका में खेल के प्रति जो लगाव है, एक बहुत बड़ी मार्केट है क्रिकेट के लिए, तो जा रहा है अपने सबसे छोटे फॉर्मेट, सबसे आकर्षक फॉर्मेट के सबसे बड़ी प्रतियोगिता को लेके। जी बड़ी एक्साइटिंग टाइम है। मैं 2007 में भी था साउथ अफ्रीका में, जहाँ पे इरफान और माही उनके साथियों ने चषक ले आए, विश्व चषक ले आए, और उसी से तो एक जो T20 का जो माहौल हमारे देश में आ गया। उसके पहले तो लोग कहते थे T20 क्या है, पर उसी के साथ IPL को एक मतलब एनकरेजमेंट मिली, एक प्रोत्साहन मिला, और IPL भी टेक ऑफ किया, क्योंकि इन्होंने वो जीत हासिल की। और मुझे वैसा ही लग रहा है अमेरिका के साथ भी, कि अमेरिका में जो मैचेस होने जा रहे हैं वहाँ पे भी अगर कोई ऐसी एक्साइटिंग मतलब मैचेस होती है। देखिए वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका होस्ट है, तो वेस्ट इंडीज़ को मुझे लगता है कि ज़्यादा मैचेस मिलेंगे और अमेरिका को इतनी मैचेस नहीं मिलेंगे। पर जो मैचेस अमेरिका में खेले जाएंगे वो अगर दिलचस्प होंगे, लास्ट बॉल रिजल्ट होगा, 40वें ओवर के लास्ट बॉल में ये रिजल्ट होगा, तो अमेरिका के लोग भी बोलेंगे अरे ये क्या चीज़ है, ये तो बेसबॉल से बेहतर है, हमको इसमें दिलचस्पी लेनी चाहिए, हमको ये देखना चाहिए। और अगर मार्केट बढ़ाना है तो मतलब जो लोकल टीम है वो अच्छी होनी चाहिए, फिर तो तुम्हारे आईबॉल होते हैं ना, सब लोग बोलते हैं अमेरिका, अमेरिकन टीम बहुत क्या खेल रही है, तो वैसा होना ज़रूरी है। पूरे शेड्यूल की घोषणा होगी सर, कौन से मैचेस खेले जाएंगे अमेरिका में उसकी भी बात करेंगे। और पहला मैच जो खेला जाएगा 1 जून को, वो खेला जाएगा USA अमेरिका की टीम और कनाडा के बीच में। और इतिहास का जो पहला क्रिकेट का मुकाबला जो रिकॉर्ड किया गया है, माने या ना माने, अमेरिका और कनाडा के बीच ही खेला गया था। लेकिन जब किसी अमेरिका में किसी को क्रिकेट समझाना होता है इरफान, तो सबसे पहले बेसबॉल के साथ उदाहरण दिया जाता है। बेसबॉल में होम रन होता है, यहाँ पे क्रिकेट अपना नया होम तलाशने चला है। 20 टीम्स, ग्रुप स्टेजेस वापस, कितनी एक्साइटमेंट आएगी जब भारत जैसी इतनी बड़ी टीम, चाहे डिफेंडिंग चैंपियंस ना हो, लेकिन ये कारवा लेके जाएंगे अमेरिका में। देखिए बहुत एक्साइटमेंट होगा, थोड़ा बता दूं अभी अभी खेल के आया हूं अमेरिका में, हॉट लेटेड, तो वहाँ पे मैचेस थे। और खैर हमारी जो मैचेस थे वो सुबह सुबह मैचेस थे, तो वो ग्राउंड थोड़े से खाली नज़र आ रहे थे। लेकिन जब दूसरी एक लीग हुई थी वहाँ पे, जो शाम के वक्त पे वहाँ पे मैचेस हो रहे थे, तो क्रिकेट को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था। और जब हम घूम भी रहे थे, शॉपिंग भी करने जा रहे थे या बाहर भी जा रहे थे, तो वहाँ पे जो लोकल्स भी ना वो नज़र डाल रहे थे, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस हर जगह पे हैं। तो जब इंडियंस बहुत ज़्यादा जब आते फैंस, तो बाकी जो सनी सर ने जो बात की कि यार वो भी ढूंढते कि यार ये सोचते कि ये क्या है, ये क्या हो रहा है, ये कौन है, क्या ये मूवी स्टार है, ये कौन है, फिर उन्हें पता चलता है ये क्रिकेटर्स है, फिर क्रिकेटर की बात होती है। तो उस तरह से वहाँ पे एक्साइटमेंट था, मैं ये लीग की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर करंट प्लेयर जाएंगे उनकी फ़ैन फॉलोइंग और भी बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पर अगर ये अच्छा क्रिकेट हुआ, तो फिर मुझे लगता है कि ये जो नए घर की जो आपने बात की, वो कमाल का एक आपको घर मिलेगा, ऐसा घर जिसपे क्रिकेट के ग्रोथ की बहुत बड़ी कहानी हो सकती है। देखिए क्रिकेट का हमेशा जो सबसे बड़ा ग्रोथ है वो इंडियन क्रिकेट से जुड़ा रहेगा, लेकिन अगर
कहीं अमेरिका में क्रिकेट ग्रो हुआ तो फिर वो दूसरी बड़ी ताकत बन सकती है पूरी दुनिया में। देखिए, अमेरिका में स्पोर्ट्स के प्रति बहुत लगाव है, वहाँ पे कॉलेज में भी जो खेल खेले जाते हैं उसके लिए भी बहुत बड़ी बड़ी ऑडियंसेस आते हैं। बहुत देर से क्रिकेट की ये मंशा रही है कि क्या अमेरिका में जाके आप एक अपना आशियाना बसा सकते हैं, और इससे बेहतर कोई प्रतियोगिता हो नहीं सकती। लेकिन सबसे बड़े जो सवाल दर्शकों के मन में है, क्योंकि टिकट बुक करनी है। अब तक हम दर्शकों से मिलते थे जो अमेरिका से टिकट बुक करके आते थे, अब अमेरिका में टिकट बुक करेंगे। अमेरिका और वेस्ट इंडीज में खेली जाएगी ये प्रतियोगिता। क्या है शेड्यूल इस 2024 नौवीं एडिशन T20 विश्व कप का, ये लीजिए। क्रिकेट मैच होस्ट करने वाला देश तैयार है क्रिकेट के सबसे एक्साइटिंग टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के नौवे एडिशन की शुरुआत होगी 1 जून 2024 को इस बार यूएसए और कनाडा के मुकाबले से। वही दो टीमें जिनके बीच सन 1844 में खेला गया था इतिहास का पहला क्रिकेट मैच। ये अब तक का सबसे बड़ा T20 वर्ल्ड कप होने वाला है जिसमें 20 देश हिस्सा लेंगे। खेले जाएंगे कुल 55 मुकाबले जिन्हें यूएसए और वेस्ट इंडीज के 9 अलग अलग वेन्यूज पर खेला जाएगा। इनमें शामिल है अमेरिका के 3 शहर, न्यूयॉर्क, डैलस और मायामी। राउंड 1 के लिए 20 टीमों को 5-5 के 4 ग्रुप में बांटा जाएगा। टीम इंडिया ग्रुप ए में है जहां 7 हैं हमारे पड़ोसी पाकिस्तान, इस बार यूएसए, कनाडा और आयरलैंड। ग्रुप बी में एशेज राइवल्स ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के साथ नामीबिया, स्कॉटलैंड और ओमान। ग्रुप सी में न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज और अफगानिस्तान के साथ युगांडा और पापुआ न्यू गिनी। ग्रुप डी में साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेदरलैंड्स और नेपाल। टीमें राउंड 2 के लिए क्वालिफाई करेंगी। नाउ उन्हें 4-4 के 2 ग्रुप्स में बांटा जाएगा, जो अपने ग्रुप की बाकी टीमों से मुकाबला करेंगे। उन दोनों ग्रुप की टॉप 2 टीमें जाएंगी सेमीफाइनल्स में, जो खेला जाएगा 26 और 27 जून को गयाना और त्रिनिदाद में। सेमीफाइनल के विजेताओं के बीच होगी खिताबी भिड़ंत शनिवार 29 जून को बारबाडोस के मैदान। 1 जून आईपीएल के ठीक बाद शुरुआत होगी। अमेरिका और कनाडा, जैसे पहले भी कहा, उनके बीच मुकाबले में क्या एक नई नॉर्थ अमेरिकन राइवलरी की तैयारी होगी इस छोटे फॉर्मेट में। पहला राउंड 1 से 18 जून खेला जाएगा जहां पे 40 मैचेस खेले जाएंगे। दूसरे राउंड में, जो कि सुपर एट्स होगा, 19 से 24 जून के बीच खेला जाएगा। वहां पे अधिकतम मैचेस जो है वो वेस्ट इंडीज में खेले जाएंगे। 26 और 27 जून को होंगे सेमीफाइनल और 29 जून को खेला जाएगा फाइनल। ये कहने को सिर्फ जून का महीना है, लेकिन अमेरिका में, वेस्ट इंडीज में कुल मिला के खेले जाएंगे 55 मैचेस 20 टीम्स के साथ। सर, अगर कोई फॉर्मेट है जहां पे एसोसिएट नेशंस को आप देखना चाहते हैं और उनको थोड़ा मौका देना चाहते हैं, शायद कभी भी फेवरेट्स ना हो लेकिन कम्पीट करने का, तो ये फॉर्मेट और ये आवश्यक भी क्रिकेट के लिए। ना सिर्फ आप एक दूसरे कॉन्टिनेंट में जा रहे हैं, आप बाकी उभरती टीमों को मौका दे रहे हैं इस विश्व स्तरीय प्रतियोगिता में। बिल्कुल, और ये एक ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पे जो आप एसोसिएट कंट्रीज़ की जो टीमें हैं उनको मौका है, बड़ा अच्छा मौका है, चांस है, क्योंकि ये 2 ओवर में ये गेम पलट सकता है। हमने देखा है कि बड़ी बड़ी टीमें भी हमारे आईपीएल में, देखिए जो आप कहते हैं कि यार ये फेवरेट टीम है, स्ट्रॉन्ग टीम है, लीडर इन द पॉइंट्स टेबल, उनको मतलब नंबर 10वें स्थान पर जो टीम है वो आसानी से हरा सकती है। तो यही एक इस फॉर्मेट की खूबी है। ये 4 ग्रुप्स में बांटा गया है इन 20 टीमों को। बहुत समय के बाद है आपको थोड़े सुपर एट्स देखने को मिलेंगे और जो उलट फेर है उसके मौके बन सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 टीमें अपने अपने ग्रुप में फेवरेट रहेंगी। भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में। ग्रुप डी एक बार फिर से ग्रुप ऑफ डेथ है, जहां दक्षिण अफ्रीका के पास चैलेंज रहेगा नेदरलैंड्स की टीम का एक बार फिर। वो भी क्या दिन था, तब हम ऑस्ट्रेलिया में थे और वो दिन ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पे ग्रेटेस्ट राइवलरी कभी कोई भूलेगा नहीं। लेकिन इस बार ग्रेटेस्ट राइवलरी भारत और पाकिस्तान, छोटी दिवाली तो नहीं है लेकिन पटाखे कहाँ फूटेंगे, अमेरिका में कहाँ, न्यूयॉर्क सिटी। सपनों का शहर न्यूयॉर्क तैयार है सबसे बड़े मुकाबले के लिए।
कैलेंडर ब्लॉक कर लीजिए। 9 जून 2024 को अमेरिका के इस सबसे आइकॉनिक शहर में होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। न्यूयॉर्क में बसे लाखों इंडियन और पाकिस्तानी फैंस के साथ साथ पूरे अमेरिका में बसे क्रिकेट फैंस के लिए मौका इस मुकाबले के रोमांच को पहली बार करीब से महसूस करने का। T20 वर्ल्ड कप इतिहास का पहला ब्लॉकबस्टर सीन भी लिखा गया था हमारे और पड़ोसियों के बीच। 2007 में साउथ अफ्रीका के डर्बन में हुआ पहला और आखिरी बोल आउट, तब से हर मुकाबला रहा है यादगार। पहले T20 वर्ल्ड कप का नब्ज जमा देने वाला फाइनल जिसमें हमने मारी बाजी। 2012 T20 वर्ल्ड कप में कोहली का कोलंबो क्लासिक। 2016 में कोलकाता में विराट की किंग साइज नॉक। बाबर और रिजवान के काउंटर अटैक ने पाकिस्तान का खाता खोला 2021 में, जिसका हिसाब मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर 1,00,000 फैंस की मौजूदगी में चुकाया किंग ने T20 के सबसे यादगार शॉट सबसे शानदार पारी के साथ। और अब 9 जून 2024 को रिलीज होगा इस ग्रेटेस्ट राइवलरी के एपिक सागा का लेटेस्ट एपिसोड दुनिया के सबसे बड़े स्टेज पर। तैयार हो जाइए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इन न्यूयॉर्क। T20 क्रिकेट के इतिहास की शायद सबसे कमाल की वो मैच थी, कोई कभी नहीं भूलेगा। उस तरीके का वो मुकाबला था, उसको अपने जहन से निकालना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। विराट कोहली 18.5 जो उतरे थे आरएस राव के खिलाफ, इरफान वहाँ पे मौजूद थे। लेकिन एक जो खास बात थी, MCG में बहुत सारे भारतीय दर्शक थे, बहुत सारे पाकिस्तानी दर्शक थे, एक कॉस्मोपॉलिटन माहौल बना था। न्यूयॉर्क मतलब मैच से पहले सोचिए टाइम्स स्क्वायर पे जब विराट कोहली की अगर होते हैं वहाँ पे फोटो आती है, भारत बनाम पाकिस्तान न्यूयॉर्क, ये भी बड़ा सोच समझ के वेन्यू रखा गया है। वो कमाल का वेन्यू है, क्योंकि अगर आप देखेंगे मेलबर्न का जो स्टेडियम था वहाँ पे, पहली बार ऐसा लग रहा था जब वो मैदान भर रहा था, जब हम मैच की तैयारी कर रहे थे, प्री शो कर रहे थे, तो पहली बार ऐसा लग रहा था कि शायद पाकिस्तानी फैंस भारतीय फैंस से ज़्यादा हो जाएंगे। वो एक्चुअली मन में बात आ रही थी बार बार, ऐसा कभी हमने देखा नहीं है। तो बाद में जब मैदान पूरा भरा तो वो लेवल फील्ड थी, 50-50 मामला था, और उसके बाद मैच इस तरह से कमाल का रहा। लेकिन एक याद ज़रूर मैं फिर से बनाना चाहूँगा, वो मैच तो हम जीत गए, विराट कोहली ने कमाल कर दिया। एक और बार हम मैच जीते, सर बीनी पहने, हम वहाँ पे खड़े हो और हम डांस कर रहे हैं, ये वो नज़ारे कभी नहीं भूलते, वो एकदम दिल के करीब है। आप मुझे कभी भी आज से 20-30 साल 40 साल के बाद भी पूछोगे तो वो जो सर का डांस, वो मैच का सेलिब्रेशन, वो विराट की पारी, कभी नहीं भूलूंगा। ग्रेटेस्ट राइवलरी 9 जून, क्या तारीख होगी वो न्यूयॉर्क में, भारतीय दर्शक, पाकिस्तानी दर्शक, और खास करके जब न्यूयॉर्क के जितने रेजिडेंट्स हैं वो बोलेंगे कि चल क्या रहा है हमारे शहर में, ये चल क्या रहा है, और यही आप थोड़ा हासिल करना चाहते हैं। लेकिन उसके साथ सवाल आएगा, वो मैच पिछला जो था इसलिए भी याद रखते हैं क्योंकि विराट कोहली ने एक अविश्वसनीय पारी खेली थी, इस बार देखना चाहते हैं उनको, होंगे क्या वहाँ पे? देखिए पर्सनली मैं देखना चाहूँगा, इसलिए कि अगर 2 साल पहले की बात करें वो फॉर्म नहीं था, लेकिन लास्ट की जो IPL थी वो कमाल की IPL रही थी। T20 क्रिकेट में मुझे लगता है कि अभी भी वेस्ट इंडियन जो पिचेस रहती है, या फिर आप अमेरिका जाएंगे, थोड़ी अननोन एरिया है वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत हो सकती है। तो मुझे तो लगता है कि 2 खिलाड़ी ऐसे हैं कि अगर वो बहुत बढ़िया, एक तो टीम मैनेजमेंट की बात रहेगी और उनके फोकस की बात रहेगी, उनके फोकस की बात, फिटनेस की बात रहेगी कि विराट कोहली और रोहित शर्मा किस लेवल पे अभी सोच रहे हो, टीम मैनेजमेंट क्या सोच रही है। लेकिन मैं पर्सनली देखना चाहूँगा ये दोनों खिलाड़ियों को, क्योंकि रोहित शर्मा ने अपना अंदाज बदला है और ज़बरदस्त अंदाज में वो रन बना रहे वनडे क्रिकेट में, तो अगर वो तब्दील करते हैं T20 क्रिकेट में, वाई नॉट। एक्सपीरियंस हमेशा ये बड़े टूर्नामेंट में काम आता है, और विराट कोहली यार आपको ज़रूरत लगेगी अमेरिका में, नई जगह जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक तो पिचेस के लिहाज से भी और ऑफ द फील्ड के लिहाज से भी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। और दूसरी एक बात है, देखिए कोहली का तो फॉर्म तो आउटस्टैंडिंग रहा है पिछले 1.5 सालों में, वर्ल्ड कप भी देखिए, वर्ल्ड कप में 750 रन बनाए, 3 शतक लगाए, तो उनकी लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट की बल्लेबाजी के बारे में कोई शंका ही होनी नहीं चाहिए। पर मेरे लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि दोनों, रोहित शर्मा और विराट कोहली, अभी भी बहुत अच्छे फील्डर्स हैं।
मतलब ऐसा नहीं कि फेल हो गए बल्लेबाजी में तो मतलब उनको कहाँ छुपाना पड़ेगा। कभी कभी ऐसी सोच होती कि आपकी उम्र जब 35-36 की होती है तो आप सोचते हैं अरे आप स्लो हो जाएंगे, आपके पास थ्रो नहीं होगा, तो आपको कहाँ रखा जाए, यहाँ पे रखा, वहाँ पे रखा, जहाँ पे आपके पास गेंद नहीं आएगी। उनके बारे में वैसा नहीं है, दोनों ज़बरदस्त फील्डर अभी भी है और मतलब फील्डिंग में भी कंट्रीब्यूशन करेंगे जो, और सीनियरिटी की वजह से जो भी कप्तान होगा, शायद कप्तान होगा नहीं हमें पता नहीं अभी तक, पर कप्तान की मदद भी होगी। रोहित शर्मा विराट कोहली आपकी क्या राय है, देखना चाहते हैं? अमेरिका में देख रहे हैं हमारा प्रसारण तो और भी शायद ज़्यादा देखना चाहते होंगे क्योंकि ना जाने कितने दर्शकों ने शायद खुद साक्षात अपने इन दो हीरोज को साथ में खेलते हुए ना देखा हो और उसका उत्साह होगा जब एक ग्रेटेस्ट राइवलरी खेली जाएगी या उतरेगी मैदान पे न्यूयॉर्क सिटी में 9 तारीख को। लेकिन रोहित और विराट काफ़ी अच्छे से जानते हो शहर को सर, ना सिर्फ परिस्थितियाँ, क्रिकेट की बात तो हो गई, फील्डिंग की बात होगी, बैटिंग की बात होगी, लेकिन बिग एप्पल को भी अच्छे से जानते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि आई लव NY की टी शर्ट है उनके पास इसलिए क्योंकि हमने जो सवाल पूछे थे उसके काफी अच्छे जवाब पता थे। एयरहेड लॉस्ट यार, आई डोंट नो यार, अलूफ, बुद्धू, स्टूपिड, It's no job being sneaky. Don't mess with me. Nah, man. Can't find. Huh? Deceive. Don't try to deceive me. Okay. Don't try to snow job me. Easy? Don't tell me it's easy, yeah. Money. Easy money. Oh, wow. Okay. Hitting 60s is never easy. Hang in there. Just hang loose for another few days. Hang loose or chill out. Chill out, okay. Is he a loser or is he an important person? Important. Oh, MVP. Athlete. Oh, is that a jock? That's pretty tough. If I can change, and you can change, everybody can change. After 5 years on a hellish island, I have come back home with only one goal, to save my city.
ये एक शो स्टॉपर मुकाबला है भारत और पाकिस्तान का, लेकिन उसके इर्द गिर्द आयरलैंड से खेलेगी टीम, यूएस से खेलेगी, कनाडा से खेलेगी, अधिकतम मुकाबले 3 मुकाबले भारतीय टीम न्यूयॉर्क में खेलेगी, बाकी के जो मुकाबले हैं जो वेस्ट इंडीज में खेले जाएंगे, क्या मान के चल सकते हैं आप अगर अपसेट नहीं होते और अपने अपने ग्रुप से जो बड़ी बड़ी टीम्स हैं वो आती हैं, तो हमने सोचा थोड़ी कोशिश करते हैं कि समीकरण बिठा के अगर आपको टिकट्स बुक करनी है, जैसी टिकट्स आती हैं तो भारत कहाँ कहाँ खेल सकती है, किन दिनों खेल सकती है, वो देख लीजिए। टीम इंडिया का मिशन 2024 T20 वर्ल्ड कप में हमारी टीम इंडिया दुनिया की महाशक्ति अमेरिका में धमाल मचाएगी। टीम इंडिया के ग्रुप स्टेज के चारों मुकाबले होंगे यूएसए में। शुरुआत 5 जून को आयरलैंड के खिलाफ न्यूयॉर्क में। इसे उस मुकाबले की ड्रेस रिहर्सल मानिए जिसका इंतजार अभी से होगा पूरी दुनिया के फैंस को। भारत बनाम पाकिस्तान, तारीख नोट कीजिए 9 जून 2024। मैच भारतीय समय के हिसाब से रात 8:30 बजे शुरू होगा। अमेरिका की नई नवेली टीम से हम भिड़ेंगे 12 जून को। ग्रुप स्टेज का आखिरी मुकाबला होगा कनाडा के साथ 15 जून को। इंटरनेशनल क्रिकेट पहली बार इतने बड़े लेवल पर दस्तक दे रहा है दुनिया की महाशक्ति में, इसलिए खेल भी अलग होगा और वाइब भी। रहिए तैयार। सर, वेस्ट इंडीज़ में तो सब जानते हैं जिस तरीके की परिस्थितियां हैं, वेस्ट इंडीज़ का जब नाम लेते हैं भारत में तो उसके बाद आपका नाम लिया जाता है, लेकिन अब अमेरिका के साथ भी यही है, क्योंकि अभी जब वहाँ लीग खेली गई थी तो आपको हमने टेक्सास में भी देखा था, इन द वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट। थोड़ा बताइए उसके बारे में। मायामी फोर्ट लॉडरडेल के मैदान को आप जानते हैं, न्यूयॉर्क में मैदान कहाँ कैसा बनता है, लेकिन टेक्सास डैलस तो आप हो गया है। देखिए, डैलस में जो मैचेस हुए थे बड़ी अच्छी मैचेस हुई थी, और वहाँ की जो पिच थी बहुत अच्छी पिच थी, मतलब बल्लेबाजों के लिए गेंद अच्छी तरह से बल्ले पर आ रही थी, फास्ट बॉलर्स जो गेंद को थोड़ा सा दबाते थे तो बहुत अच्छी तरह से, मतलब साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया पिचेस की जैसी गेंदें जा रही थी। और फोर्ट लॉडरडेल में वैसा थोड़ा कम होता है, पर ये डैलस की जो पिच थी वहाँ पे काफ़ी जाम थी, तो इसी की वजह से हमने काफ़ी बड़े शॉट्स भी देखे, बहुत अच्छी गेंदबाजी भी देखी, और मतलब दोनों, मतलब जो बैट और बॉल के बीच में जो बैलेंस बनना है वो अच्छा बैलेंस था। नहीं तो कभी कभी ऐसी पिचेज होती है जहाँ पे सिर्फ बैट डोमिनेट करता है, कुछ ऐसी पिचेज होती है जहाँ पे सिर्फ बॉल डोमिनेट करता है, अगर वहाँ पे ज़्यादा टर्न हो वैसी होती है पिचेस। ये डैलस की पिच वैसी नहीं थी, और डैलस का जो ग्राउंड है अब उसमें मुझे लगा कि उस वक्त कुछ पूरी तरह से मतलब चौको ब्लॉक होता था, पर मुझे लगा कि उस पर कोई वो कर रहे एक्स्ट्रा स्टैंड वगैरह लगा रहे उन दोनों के लिए 7,500-8,000 की कैपेसिटी थी, पर मुझे लगता है कि शायद वो डबल करेंगे ट्रिपल करेंगे, और अगर वैसा करेंगे तो वहाँ के जो लोग हैं, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी हमारी एशियन पॉपुलेशन है, सब कॉन्टिनेंट की बड़ी ज़बरदस्त पॉपुलेशन है, तो वो भी आकर मज़ा उठा सकते हैं। ये जो भारतीय दर्शक है खास करके इरफान, ये तो आप मान के चलते हैं, क्योंकि 2028 में हम देखेंगे क्रिकेट को ओलंपिक्स में भी लॉस एंजलिस में, वो वेस्ट कोस्ट में है, वेस्ट में जाने से पहले ईस्ट कोस्ट में मुकाबले देखे जाएंगे। एक बहुत बड़ा मौका है क्रिकेट के पास ओवरऑल, क्योंकि हमने उतनी बात वेस्ट इंडीज़ की नहीं की, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ में जब आखिरी बार 2010 में भी खेला गया था, आप जानते हैं किस तरीके का माहौल बनेगा, वेस्ट इंडीज़ विल नॉट डिसअपॉइंट। लेकिन जो बड़ी खबर इस विश्व कप की है, थोड़ा चस्का लगाना, ओवरऑल अगर आप सार बताएं इस पूरे विश्व कप का, एक्साइटमेंट और एक नई पहल क्रिकेट द्वारा। बहुत कलर्स देखने को मिलेंगे आपको, कार्निवल्स होता है स्पेशली अगर वेस्ट इंडीज़ में क्रिकेट होता है, और फिर अमेरिका अगर आप जाएंगे तो अमेरिका में भी कुछ उसी तरीके से कल्चर आपको देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा, खैर मेरी नज़र तो शॉपिंग पे जाती है, क्योंकि हमारे जब फैंस भी जब जाएंगे तो वहाँ पे शॉपिंग भी बड़ी ज़बरदस्त होती है, आई थिंक दुनिया की सबसे बेहतरीन शॉपिंग होती है, तो आपको क्रिकेट अच्छा देखने को मिलेगा, ऑफ द फील्ड आपके पास बहुत सारी चीज़ें करने को, एक्टिविटीज़ है, ज़बरदस्त बीचेज़ है, ज़बरदस्त शॉपिंग, मतलब उससे बेहतर शॉपिंग आपको कहीं है ही नहीं। खाना पीना बढ़िया रहता है। सो ओवरऑल जो भी फैन जाएंगे भी वहाँ पे वो मैच देखने के लिए, एक ज़बरदस्त पैकेज मिलेगा आपको, पैकेज उस तरह से कि क्रिकेट के साथ साथ ऑफ द फील्ड एक्टिविटीज़ और फैमिली का वक्त आप वहाँ पे ज़बरदस्त बिता सकते हैं। तो इसीलिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि अगर अमेरिका कहीं से भी अपनी टीम से, स्पेशली अगर यूएसए टीम अच्छा कर जाती है, या कनाडा जो बगल में है वो अच्छा कर जाती है, तो फिर वहाँ जो क्रिकेट डेवलपमेंट है वो सही मायने में शुरू होगा, क्योंकि ज़रूर आप चाहते हैं कि भारतीय टीम अच्छे खेले, बाकी अच्छा आपको क्रिकेट देखने को मिले, लेकिन जहाँ पे क्रिकेट हो रहा है उस मुल्क
आपको अच्छा करना बहुत ज़रूरी है. तो ये सारी चीज़ अगर हो गई तो फिर एक सुपर हिट आपको वर्ल्ड कप देखने को मिलेगा. देखिए वो शॉपिंग की बात इसलिए भी की क्योंकि दुनिया की सारी ब्रांड्स आपको मिलती हैं और बड़े अच्छे दाम पे मिलती हैं. डिस्काउंट जो है वो अमेरिका में जो मिलते हैं वो कहीं और नहीं मिलते, लेकिन डिस्काउंट नहीं, पूरा दाम मिलेगा जितने दर्शक पहुंचेंगे इस 9वें एडिशन को देखने के लिए T20 विश्व कप के, जिसके शेड्यूल की घोषणा हमने यहाँ शो पे की है. एक्साइटमेंट है, उत्सुक हैं, क्योंकि सब जो क्रिकेट से जुड़े हैं वो चाहते हैं क्रिकेट थोड़ा और प्रसिद्ध हो. बाकी जगह जहाँ पे शायद उतना अभी इसका रुझान नहीं है वहाँ पे भी क्रिकेट की स्थापना हो, और अमेरिका से बड़ी क्या मुहिम हो सकती है इस विश्व कप के. थैंक यू सनी सर. आपका तो वीज़ा है, आपका भी वीज़ा है, हमारा भी वीज़ा है, और क्योंकि स्टार स्पोर्ट्स पे आएगा T20 विश्व कप तो आपका भी वीज़ा है. बहुत जल्द मिलेंगे. T20 विश्व कप की कवरेज यहीं पे बरकरार रहेगी.